किसके साथ जा रहे हो? पूजा के साथ जा रहा हूँ। क्या मतलब पूजा के घर में जाने नहीं देती, उसके साथ तो मैं जयपुर जाने दूंगी। है? गाड़ी चाहिए उसे बस, वो ड्राइवर बना के लेके जा रही है और बेशर्मों की तरह यहाँ अपना सामान इकट्ठा कर लिया। तो उसे ड्राइवर की तरह भी नहीं लेती। अगर तुमने पूजा का नाम या पूजा के साथ जाने की बात करी ना, क्या शोर मचा रही है? तुम बड़े तैयार यार होके बैठे हैं? भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये तेरा वेट कर रहा था मैं बड़ी देर लगा दी, तूने आने में कहाँ लगी थी? तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ तैयार हो रहे हो? मैं तेरा वेट कर रहा था बहुत देर से, मैंने तू आएगी तो मैं निकला। ये क्या है? एक घंटा लेट हो गया मैं। ये क्या है, क्या ये क्या क्यों लिया है, ये किस लिए? दिख नहीं रहा, 5 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं शादी में। कौन सी शादी, किसकी शादी, कोई बात नहीं करी। सुबह मैं गई हूँ तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम अचानक बन गया ना, अचानक शादी शुदी का आ गया। चक्कर पिए ले, ये ले पकड़। क्या ये चाबी है घर की, कहीं जाएगी तो ताला वाला लगा के जाएगी। यार मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मेरे को कोई प्लानिंग आपने बताई जब मैं सुबह गई थी, आपने कोई बात करी कि मेरे को कहीं जाना है? अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया, डेस्टिनेशन राइडिंग है। कौन सी डेस्टिनेशन वेडिंग है? कोई कार्ड नहीं आपने दिखाया, कोई बात नहीं आपने करी। अब आजकल कोई कार्ड देते क्या? फोन पे आ गया कार्ड, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी लेके जाओगे? और क्या, कहाँ है शादी, कहाँ है? क्या किसकी शादी है, कहाँ शादी है? जयपुर में शादी है भाई, डेस्टिनेशन वेडिंग है। और तुमने इतना बड़ा अटैच बना लिया? तो 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, कपड़े कम लेके जाने पड़ते, ज्यादा लेके जाने पड़ेंगे। कौन है, क्यों है, हम क्या मतलब होता है? नहीं शादी किसकी है, मैं हमें नहीं कुछ पूछा, ना तुमने मेरे से बात करी, ना तुमने मुझे फोन किया, एक मैसेज भी बंदा कर देता है, एक मैसेज तक नहीं किया तुमने। यार मैसेज की क्या बात है यार, मेरे को जब अकेले जाना था तो मैं बस इतना बताना था कि मैं निकल रहा हूँ, बस नहीं, बस इतना बताना था, इसलिए तुम मेरा वेट कर रहे थे कि मैं इतना बता दूं कि मैं निकल रहा हूं। क्या घर खुला छोड़ के जाता क्या तू? आएगी चाबी देख के रैंड ओवर कर दी मैं चाबी, अब तू चाबी लेके। कोई तमीज तो नहीं होती है, मतलब तुमने अपने कपड़े पैक करे और तुम चल दिए और तुम हो गए तैयार और हम पागल है यार। बाबू ऐसा ही होता है यार, अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि बंदा आया और नहीं, कोई कार्ड की बात, किसी की शादी की बात, कोई 2-4 दिन पहले तुम मेरे से बात कर रहे होते हैं, नो मेरे को जाना है या हमें जाना है, कोई मतलब ही नहीं है। तू बताती है तू कहीं जाती है तो? यार मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं बताती, मैं तो ढोल पीटती हूँ इतने दिन पहले। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं जाने दूंगी यार, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं जाने दूंगी मतलब नहीं, क्या है? नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, मतलब तुम अपना तैयार हो और तुम चले जाओ, हम पागल हैं यहाँ पे जो घर में बैठे हुए। अंदर रखो इसको चुपचाप। और जिसको जिसने किसने बोला तुम्हें, किसने बोला, किसने बुलाया तुम्हें शादी में, किसने बुलाया? किसने भी बुलाया, वो हर बंदा आजकल यही चाहता है कि वो अकेला जाए। मतलब तुम्हें अकेले बुलाया, फैमिली को नहीं बुलाया? फैमिली को क्यों क्यों बुलाएगा बंदा? नहीं नहीं एक बैठो एक बार, पहले मुझे ये बताओ फैमिली का मतलब क्या होता है, क्यों फैमिली को क्यों बुलाएगा बंदा, अकेले को बुलाएगा? उसके प्लेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पर, ऐसा थोड़ी होता है फैमिली को बुलाएगा, 4-4 बंदे काउंट करेगा। वाह वाह, मतलब फैमिली वाले तो पागल है, बच्चों को तो फिर बच्चों को तो कोई बुलाएगा ही नहीं फिर। नहीं बच्चों को कौन बुलाएगा, आप ये बताओ, उनकी तो प्लेटें हैं, हम मेरे को बुलाएंगे, तुम्हें बुलाएंगे या तुम्हें बुला रहे हैं अकेले? क्यों अपना बंदा खर्चा बुलाएगा, अकेले अकेले को बंदा बुलाएगा ना? तो बच्चे शादी में जाए ना, बच्चों के लिए शादियां कैंसिल। अब बंदा में बहुत खर्चा होता है एक बंदे के ऊपर, कितना खर्चा होता है एक बंदे के ऊपर? तो आप लगा के नहीं जाओगे वहां जयपुर, ये जो चाबी घुमा के लेके जा रहे हैं इसमें किराया नहीं लगेगा, इसमें तो लगना ही होता है यार। तो फिर बंदे पे गाड़ी तो हमें बिठा के लेके जाओगे? तो तुमको क्यों तकलीफ है, हमारा मर्जी है, क्यों लेके जाऊंगा तेरे को बिठा के? शादी मैंने किससे की थी? अच्छा? शादी तुमसे की थी ना, शादी का मतलब क्या होता है कि जहाँ भी जाओगे साथ में लेके जाओगे? इसका मतलब थोड़ी है, जहाँ भी तू जाएगी साथ में जाएगी, मेरे को भी अकेले बुला सकती, तू अकेले नहीं आती। मैं कहाँ अकेले जाती हूँ, मैं कहाँ अकेले जाती हूँ? स्कूल में इतनी सारी फ्रेंड्स का बर्थडे होता है, किसी का कुछ होता है, तू तो अकेले अकेले चली जाती है। एक बात मैं यहाँ छोड़ दूँ, तू कहती है कि मेरी फ्रेंड्स है, तो बर्थडे और शादी में फर्क नहीं होता? शादी में तो जाती है, उसके भाई की शादी है, उसकी उसकी खुद की शादी है, अकेले जाऊंगी? हमारी सारा ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप ही जाएगा तब भी। तो यार ऑफिस में जब काम कर रहे होते तो अकेले अकेले ही जाते हैं, उसमें क्या बच्चों को लेके जाओ? तेरा ऑफिस ऑफिस, तेरा ग्रुप अलग, उसमें तू फैमिली को नहीं लेके जाएगी, और अगर मैं अकेले जा रहा हूँ तो उसमें तकलीफ है। हाँ तकलीफ है, तुम यहाँ 5 दिन के लिए इतना सारा बैग उठा के लेके जा रहे हो, कोई तरीका होता है मैं छोड़ दूं तुम्हें 5 दिन के लिए ऐसे ही? नहीं।
कहाँ जा रहे हो, किसकी शादी है, कौन सी शादी है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। ये हफ्ते में तू दो दिन पार्टी में जाती है। कौन सी पार्टियों में? कभी कभी तेरा किसी का फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, तेरे ग्रुप में 15-20 बंदे हैं, 15-20 में किसी का बर्थडे आ रहा है। तो स्कूल के बाद ही सीधा निकल जाते हैं। स्कूल के बाद, स्कूल के बाद में उसमें भी जाती है, शाम को भी जाती है, स्कूल के बाद ही क्या। तो यार एक बात बताओ, शाम को हमें मुझे लेके जाती है तो कभी, ये बताओ लेके जाती है यार? कोई बुलाएगा तो मैं लेके जाऊंगी, कोई बिना बुलाएगा कैसे ले जाऊंगी? हाँ जी, मेरा पति जी साथ में चलेगा। यही बात मैं तेरे मुंह से ये बात निकलवाना चाहता था, मेरे दोस्त ने तेरे को नहीं बुलाया। मतलब क्यों नहीं बुलाया? जब आदमी जाएगा तो औरत साथ में जाएगी, और औरत जाएगी तो उसके बच्चे भी साथ में जाएंगे, ये क्या तरीका हुआ? तू जाती तो तेरा आदमी और तेरे बच्चे क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि वहां पर तेरी जो औरतों का सिस्टम पता है क्या होता है, उनका प्लेट सिस्टम होता है कि हाँ औरत अपने आप देखती है कि मेरे पास अकेला बंदा आए और मेरे प्लेट के पैसे दे और फिर ना आए, वो बुलाती नहीं किसी और को। ये लड़कियों में खास तौर पर बीमारी, और आदमी जब बुलाता है ना तो पूरी फैमिली को बुलाता है और गाली बकता है कि तू तू आए ना आए, भाभी आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, लेकिन नहीं, औरतों को तो अलग है, पैसे दो, प्लेट सिस्टम करो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आजकल हो रहा है प्लेट सिस्टम का, तो आजकल हो रहा है तो फिर तू क्यों नहीं मान रही? नहीं क्यों मान रही, आराम से। मैं पहले लेट हो गया, मैं मेरी बात सुन लो, अकेले तो मैं भेजूंगी नहीं तुम्हें। तुम फिर मेरे को लेके जा रहे हो? तेरे को लेके भी नहीं जा रहा, फिर बच्चों को लेके जाओगे? बच्चों को लेके भी जा रहे, फिर किसको लेके जा रहे हो? जिसको बुलाया उसको लेके जा रहा हूँ, दिखा। किसको लेके जा रहे हो तुम? तो देगी पहले मेरे को चाबी? नहीं दूंगी। बताइए, मतलब मेरे को समझ, मैं मेरी बात सुन लो, मेरे बिना यहाँ से जाओगे नहीं, और जयपुर तो मैं अकेला नहीं जा रहा। तुम पड़ोस में मेरे को बोल रहे हो कि तू इधर चली जाती, इधर चली जाती, यहाँ आस पास के मोहल्ले के अलावा कहीं? मैं अकेले नहीं जा रहा ना, मैं बोल तो रहा हूँ। किसके साथ जा रहे हो फिर? किसके साथ? चाबी दे पहले, पहले मुझे बताओगे किसके साथ जा रहे हो? पूजा के साथ जा रहा हूँ। क्या पूजा के साथ जा रहा हूँ? पूजा, पूजा कहाँ से आ गई बीच में? पूजा कहाँ से आई? पूजा को कौन जानता, कौन सा दोस्त जानता है? पूजा की कजन की शादी है। हाँ तो? तो फिर उसने क्या बोला? उसने बोला तुम चलोगे मेरे साथ में? तुम मेरे साथ में चलोगे? और भाभी क्या करेगी? तो भाभी क्या करेगी फिर? तुम्हारा कोई दोस्त ऐसे कह कैसे सकता है कि भाभी को मत लाना? क्यों? तेरी सारी फ्रेंड्स बोल सकती है, मेरा दोस्त नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता तुम्हारे दोस्त से अच्छी है पूजा, इसका मतलब यही है। उसको एक इनविटेशन आया, उसमें वो मेरे को साथ में लेकर आ रही है। मुझे गैरत होती है, वो कम से कम ये सोचते हैं कि भाभी साथ में है, परिवार साथ में है, और यही निकम्मी, ये सड़ी, यही हो सकती है जिसको अपना सहारा चाहिए। चल ले कैब करके चली जाए, गाड़ी चाहिए उसे, बस गाड़ी में बैठने के लिए एक बंदा चाहिए, ड्राइवरी करने के लिए, वो ड्राइवर बना के लेके जा रही है, और बेशर्मों की तरह वहाँ अपना सामान इकट्ठा कर रही है। इज्जत करती हूँ मैं, काय की इज्जत? वो इज्जत इसलिए करती है कि हाँ मैं वो मेरे को साथ लेके जा रही है। उसने पूछा तो सही मुझे, एक पड़ोसी होने के नाते कि आप मेरे साथ चलो। वो कुछ नहीं पूछा, उसने कैब की जगह ना सिर्फ एक ड्राइवर लिया है, तुम सिर्फ एक ड्राइवर की तरह की तुम उसको छोड़ दोगे वहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। तू तो ड्राइवर की तरह भी नहीं लेती, तू तो अकेली निकल लेती है। यार एक बात बताओ, जब कोई इनवाइट ही नहीं करेगा तो मैं कैसे बुलाऊं? तुझे इनवाइट नहीं करूं फिर मैं तुझे कैसे लेके जाऊं? तू ये नहीं सोचे, सुन लो, अगर तुमने पूजा का नाम या पूजा के साथ जाने की बात करी ना, अभी उसको फोन करके बोल दो मैं नहीं जा सकता, मेरे को टट्टियां लग गई हैं। अच्छा बात नहीं है। क्यों नहीं जा सकता? क्यों लगी मेरे को टट्टियां? नहीं जा सकता। अरे मेरे को वेट कर रही है। क्या क्या, कौन वेट कर रही है? पूजा, मैं सच बता रही हूँ। फिर अंधेरा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी यार। क्या अंधेरा हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में फिर गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। तुम जाओगे ही नहीं, तुम जाओ कैसे? तुम सकते ही नहीं जा। क्यों नहीं जा सकते? मैंने बोला है तुम नहीं जाओगे। कोई पाबंदी है मेरे ऊपर? पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? ये कोई बात नहीं होती, तुम ऐसे हर बात अपनी बार मान रहे हो, हर बात अपनी मनवा रहे हो, ये कोई बात होती है? पूजा के टाइम में प्लेट सिस्टम नहीं दिख रहा? पूजा ने मुझे नहीं बुलाया, पूजा ने बच्चों को नहीं बुलाया, उसके कजन की शादी है। अगर जानता है तो तुम्हें जानते हैं, उसको जानता है ना, उसने मुझे बुलाया, बस बात खत्म होगी, हम जा रहे हैं। नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आनी, समझ नहीं आनी तुम्हें? है क्या कह रही हूँ मैं? स्कूल से आते ही मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, बस तू बंद करेगी, जबरदस्ती करेगी मेरे, मैं बच्चों को ही, बच्चों को ही मैं पिछोड़ घर में मैंने बोल दिया पूजा के साथ, मतलब पूजा के घर में जाने नहीं देती, उसके साथ तुम्हें जयपुर जाने दूंगी? यार मैंने आज तक कोई भी ना लाइफ में डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड नहीं करी है, और ये मेरी पहली होगी। तो फिर
और वही पूजा के साथ जाओ होगी। नहीं मेरे को लेके जाओ, मैं अभी बैग पैक करती हूँ, मेरे बच्चों को लेके जाओ। अगर तुम्हें पूजा, तू पूजा चढ़ती है ना, नफरत करती है, हाँ, करती तू उसके साथ वैसे नहीं जाएगी। इसलिए तेरे को पूछा भी नहीं, छोड़ बात खत्म हो गई ना। मैं नफरत करती हूँ ना, मैं नफरत, जिससे मैं नफरत करूंगी उससे तुम नफरत करोगे, जो मैं बोलूंगी वो तुम करोगे। आ रही बात समझ? उसने मेरे को इज्जत दी है, मैंने क्या बोला? उसने बोला मैं अकेले नहीं आऊंगी, आएंगे तो मोनू जी साथ में आएंगे। बस किसको बोला उसने? अपने कजन को। तुम उसके पति लग रहे हो, वो पति बना के लेके जा रही है ना तुम्हें? पति बना के क्यों लेके? हाँ यही तो लोग, पता पति को मियां बीवी को बुलाते हैं, वो बदतमीज है, या तो वो ड्राइवर नहीं बना रहे थे उसे, तो इसीलिए तो पति बना के ले जा रही होगी। प्यारी समझ गई। मैं जाने दूंगी तब ना, तुम छोड़ो छोड़ो, मैं टूट जाएगा। छोड़ना यार इसको, टूट जाएगा ये तो। शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल भी? मुझे शर्म नहीं आती, शर्म तुझे आनी चाहिए। क्या क्या कर रही है? नहीं जाऊंगी यार। मुझे एक बार बताएंगे तू, एक मिनट, तू जब किसी अपनी फ्रेंड के साथ उसमें फंक्शन में जाती है, तू जब किसी अपने फ्रेंड के फंक्शन में जाती है तब क्या होता है? चीटिंग करता है तू, हो गई कुछ? हाँ, और ये खोलेगा नहीं, और तुम कहीं जाओगे नहीं। अरे बस समझ, मैं किसी फ्रेंड के फंक्शन में जाती हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगी आज के बाद। आज के बाद मैं किसी भी फ्रेंड के फंक्शन में नहीं जाऊंगी। यार मेरे को तू ये बता, तू हफ्ते में एक बार तो निकलती नहीं? यार कहाँ निकलती हूँ मैं यार, हद हो गई। तेरी फ्रेंड का जब कोई फंक्शन आता है तू बोलती है हमारा ग्रुप है, मैं अकेली जा रही हूँ, और वो नहीं बुला रहे, वो प्लेस एक बार भाई, तो तब तेरा बच्चा नहीं होता, तब तेरा पति नहीं होता, हम कहाँ जाएंगे फिर? देखो ये होना चाहिए कि मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं बुलाऊंगी, तुम अपना अकेली बुलाओ, मैं शायद बुलाऊँ अपने फैमिली के साथ ही आऊंगी, वरना कुंवारी से दोस्ती करो, कुंवारी को बुलाओ। दिमाग होता है, और जो अकेले बुला उसको गालियां पड़ती है, पता है हिम्मत नहीं होती किसी लड़के की अकेले बुला ले। लड़कियां पता नहीं क्या सोचती, प्लेटी बेचने के चक्कर में लगी रहेंगी, इतने की प्लेटें अकेली आ जाओ अकेले, पता है फैमिली वाली, उसके बाद भी प्लेटें बेचती नहीं बेचती सारी लड़कियां, तो उनको बोला कर रही अपनी फ्रेंड्स को कि अपनी प्लेटें कहीं और बेच ले, हमें नहीं जरूरत है। यार मुझे पता है, कई बार मुझे ये चीज फील होती है कि ऐसे अच्छा मुझे कोई फील नहीं होती है, मेरे को होती है फील। अकेले जाएगी 2100 रुपए देगी, 2100 रुपए हम तीनों पूरी फैमिली नॉन वेज के साथ खाना खा लेंगे, अनलिमिटेड। बात तो सही है। मेरे को तो नहीं खाना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी तेरे से परेशान हो गया अकेले जाने के से। तूने अपनी ऐसी फ्रेंड बना रखी है, लिटरली तूने बना रखी है भाई, तू सीधा मना क्यों नहीं कर सकती उनको? अगर ये अटैच है और आप घर के बाहर गए तो इस घर के रास्ते आपके लिए हमेशा के लिए। तू क्यों चली जाती है अकेली मुझे बता। जब मैंने बोल दिया ना कि आगे से नहीं जाऊंगी, आपको नहीं समझ आ रही है बात? तू क्यों? मैंने बहुत आराम से बोल दिया कि मैं आगे से नहीं जाऊंगी, और मैं जाती भी हूँ तो आस पास में ही जाती हूँ, और मैं ये नहीं करती कि 5-5 दिन 6-6 दिन, और मैंने उसके लिए भी ये बोल दिया कि मैं 11:30 बजे भी आई ना पार्टी से, तू आई है कि अकेली थोड़ी आई हूँ? अकेली तो आई है, अकेली तो जाती है, तो तुम लेने तो जाते हो ना भाई? लेने जाता क्या मतलब है, मैं ड्राइवर हूँ तेरा जो लेने जा रहा हूँ, क्यों अटेंड करती है? उनको बोलना मैं फैमिली वाली हूँ भाई, तुम्हारी तरह कुंवारी नहीं, कुंवारी को बुलाओ, ये अपनी प्लेके तुमने जहाँ बेची ना वहाँ बेचो, मेरे पास तो फैमिली है, फैमिली के साथ आएगी। अच्छा ठीक है, मैं आगे से। तेरी सारी फ्रेंड को ये बात समझ नहीं आती यार? नहीं आती क्योंकि यार आधे से ज्यादा कवारी हैं वो, इसलिए उनको नहीं समझ आती ये चीज। जितने पैसे तू देख के आती तेरे को सारी फैमिली खा के आएगी, ये बात तेरे को समझ नहीं आती? नहीं मत नहीं जानना चाहिए, हमारे घर में पहले कार्ड आता था, अकॉर्डिंग चलना पड़ता है यार, ये सिस्टम पहले भी होता था, सिंगल नाम लिख के बेचते थे कार्ड के ऊपर, जब कार्ड चलते थे फैमिली वाला कोई नहीं जाता, लगता था बेइज्जती करी किसी ने, ये बात तो समझ जानी चाहिए, वो बंदा बेइज्जती कर रहा तुम्हारी, तुम्हें अकेले को बुला के नहीं जाना चाहिए, तेरी बेइज्जती है, मेरी बेइज्जती है, हमारी फैमिली की बेइज्जती है, उसने अपने जो कार्ड बेचने हैं जहां बेचने हैं बेचो भाई, तुम मतलब प्लेटें बेचो, लेकिन हमारे हमें जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली को बुलाया तो ठीक है, रिस्पेक्ट करिए, अकेले को बुलाया मतलब बेइज्जती करिए, पत्थर मारा है, ये बात तेरे को क्यों नहीं समझ में आती? तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? अब मेरे को निकलने दे बस, मैं तो कह रहा हूँ बहुत देर हो गई। और अगर तुम निकल गए ना फिर देख लेना। क्या देख लूँ फिर मैं? अभी तो सिर्फ पार्टी में जा रही हूँ, किसी और के साथ नजर आऊंगी तुम्हें मैं। समझ नहीं आती क्या इस बार में है? जब मैंने बोल दिया नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, जब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ इस बात का, तेरा क्या प्रॉमिस हो गया? क्यों विश्वास नहीं करो, क्यों विश्वास नहीं करो? तुम्हारे ऊपर हर बात का विश्वास करती हूँ मैं, तुम मेरे प्रॉमिस का विश्वास नहीं कर रहे, हद ही हो गई, कोई बात है? बात को लिंक कर रहे हैं वो, तेरे पूजा कल फिर पार्टी शुरू हो जाएगी कोई ना कोई, तुम ना बेमतलब की बात लिंक कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है? तो फिर नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जा रही मैं, कहीं नहीं जा रही, बस नहीं जा रही भाई, नहीं जा रही।
मुझे समझ आ चुकी है ये बात जो आप समझाना चाह रहे हो, मुझे समझ आ गई है। हाँ कि कोई अगर को अकेले बुलाता है हमारी बेइज्जती है, आ गई समझ में? आ गई यार, मेरे को अकेले में मेरे को लगता है कि सारा स्टाफ जा रहा है। तो ये सारा स्टाफ की बात नहीं, तू शादीशुदा है, जो कुवारी है वो कुवारियों के साथ जाए, कुवारियों को बुलाए, शादीशुदा से दोस्ती ना करे बुलाने जाने की, बस बाद में ये कह रहा हूँ। शादीशुदा तो फैमिली के साथ जाएगी, मैं अगर अकेले जाऊं तो तेरे को कितना बुरा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, पर अब तुम आज मत जाओ। तो आज मैं जा भी नहीं रहा। फिर मैं मैसेज दिया सामान का पैक करके रखा हुआ है, इसके अंदर दो चार रोज सूटकेस में पड़े हुए हैं। सूटकेस पड़े हुए इसके अंदर? सूटकेस पड़े हुए, मतलब इसके अंदर सूटकेस है, कपड़े नहीं है? तुम क्या मेरा पागल बना रहे? पागल नहीं बना रहा, मैं तेरे को मैसेज दे रहा हूँ कि जब तू अकेले आती है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, समझ में आ गई? और वो बंदा बेइज्जती करता है तेरी, ये बात तेरे को क्यों नहीं समझ में आती? और तो मैं बड़ा ग्राम है यार, ये ऐसा लगता है कि उनको मेरे को फिर अलग ही कर देंगे वो अपने, अलग कर दे, दूसरी दोस्ती बना, नहीं कर ऐसी दोस्ती, वो किस काम की दोस्ती जो तेरे को अकेले को बुला के खुश है, अपनी प्लेटें बेच रही है, गजब बेइज्जती है। जो तेरे को प्लेटें बेच रही है, मैं तो उसकी प्लेटें खरीद भाई, पैसे देती है ना, देती है कि नहीं देती? फिर वो बंदा इज्जत नहीं कर रहा जो अकेले बुला रहा है। ठीक है नहीं जाऊंगा, कोई रिश्तेदार भी हो ना अकेले बुलाएगा तो नहीं जाना, ये मान ले। और जो जाते हैं ना, सबसे बड़ी गलती उनकी है, जो अकेले बुला रहे हैं अकेले जा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वो प्लेटे बेच रहे हैं और वो खरीद रहे हैं। वो आजकल यही सिस्टम तो चल पड़ा है, और कार्ड का भी सिस्टम खत्म हो गया, मिठाइयों का भी सिस्टम खत्म हो गया, ऑनलाइन कार्ड भेज देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिठाई भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, पैसे लेने प्लेटे को पूरे, अकेले बंदे को बुला लो तो क्यों खरीद रहे हो तुम प्लेटे? पहले के टाइम पे अपनी शादी करते हुए अपने पैसे यही समझा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल समझ में आती है तेरे को कि हाँ प्लेटे मत खरीद ले किसी की? नहीं जा रही मैं कहीं, सारा मूड का ऐसी तैसी, नहीं जा रही।